हत्या लूट डकैती की ताबड़तोड़ वारदातों को लेकर प्रदेश के क्राइम कैपिटल बन रहे जिले में देर रात बेखौफ बदमाशों ने पुलिस की सांध्यकालीन गश्त की पोल खोलकर रख दी। दुकान बंद करके घर लौट रहे लोहा कारोबारी को गन पॉइंट पर लेकर बदमाशों ने 7.5 लाख की रकम लूट ली और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद अधिकारियों ने हड़कंप मचा दिया और SSP सहित कई आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, मगर बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जिसके बाद हर घटना की तरह इस बार भी अधिकारियों ने जल्द ही घटना के खुलासे का दावा किया है। जानकारी के अनुसार कमलानगर निवासी मदन गोपाल गुप्ता की बागपत रोड पर अनुराग सिनेमा के निकट श्याम स्टील के नाम से लोहे की दुकान है। मदन गोपाल के पुत्र पुलकित के मुताबिक रात करीब 8 बजे मदन गोपाल दुकान बंद करके स्कूटी से घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान कमला नगर गेट नंबर 1 में प्रवेश करते ही सड़क पर खड़ा एक बदमाश अचानक उनकी स्कूटी के आगे अड़ गया, जिसके बाद पीछे से बाइक पर आए 3 अन्य बदमाशों ने मदन गोपाल पर पिस्टल तान दी। बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देकर मदन गोपाल की स्कूटी की डिग्गी में रखा 7.5 लाख की रकम से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद बदहवास मदन गोपाल ने परिजनों और पुलिस को कॉल करके घटना की जानकारी दी, जिसके बाद थाना पुलिस सहित SSP नितिन तिवारी और SPCT अखिलेश नारायण सिंह मौके पर दौड़ लिए। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली और पीड़ित से पूछताछ की, मगर देर रात तक बदमाशों के विषय में कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी। वहीं SSP अखिलेश नारायण सिंह ने घटना के शीघ्र खुलासे का दावा किया है। भैया क्या नाम आपका? पुलकित अग्रवाल नाम है जी। पुलकित जी, क्या घटना कर रहे हैं? मेरे फादर बागपत अड्डे श्याम स्टील के नाम से हमारी दुकान है अनुराग सिनेमा के सामने, और वहां से घर की तरफ आ रहे थे। हमारा घर कमला नगर में है, बागपत रोड पर, और जैसे ही कमला नगर गली नंबर 1 में मुड़े तो वेबस्टर स्कूल के कोने पर कुछ लोगों ने लूट कर ली। दुकान का थैला छीन लिया, उसमें 7.5 लाख रुपए थे और दुकान की चाबियां, दुकान के कागजात सब उसी में थे। तो पुलिस में तुरंत सूचना दी 100 नंबर पे, और बाकी फिर सारे पुलिस वाले आ गए थे, बाकी उसके बाद कार्रवाई चली रही है। कितने लोग थे? 4 लोग थे वो। क्या मतलब रैगिंग कर रहे थे उन्होंने? अब ये तो नहीं कहा जा सकता जी, लेकिन पिस्टल थी उनके पास। टीपी नगर क्षेत्र में बागपत अड्डे की तरफ एक स्टील की काम करने वाले हैं मदन गोपाल गुप्ता जी। लगभग 8 बजे के लगभग जब अपने घर वापस आ रहे थे तो कमला नगर में, तो जैसे ही गेट के अंदर घुसे वहां पर पीछे से 3 बदमाश आए, और इनका कहना है कि एक बदमाश वहां पर पहले से था। इन लोगों ने तमंचा दिखा के स्कूटी ले जाने का प्रयास किया, स्कूटी जब स्टार्ट नहीं हुई तो डिक्की की चाबी लेके डिक्की खोल के उसमें जो पैसे थे लगभग 7.5 लाख रुपए, उसका थैला लेके चले गए। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इसमें जैसा मैंने अभी बताया आपको कि 3 लोग बाइक से थे और एक बदमाश, इनका कहना है कि एक वहाँ पर था। इस प्रकार कुल संख्या मिला के 4 और 1 5 की हो गई। अरे 3 और 4, वो 3 बाइक से और 1 वहाँ पर था, तो कुल 4 हो गया। ये सब पे काम हो रहा है, सब पे काम।